फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी मूली का भुजिया, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा और साथ में हेल्दी भी बहुत होगा। तो कैसे मैंने बनाया है उसको, उसमें मैंने क्या डाला है, तो चलिए मैं बताती हूँ आगे वीडियो में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा और लहसुन डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक खड़ी लाल मिर्च डाला है, जो कि बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है उससे, और वहाँ पे और ग्रीन चिली भी डाल दिया है मैंने। अब मैंने जो मूली काट के रखा है वो मैं डालूँगी इसमें। तो इसको हमें थोड़ी देर भूनना है इस तरह से, और थोड़ा सा क्योंकि पत्ते जल्दी गल जाते हैं तो हमें मूली पहले ऐड करना चाहिए मूली की भुजिया में। और अब हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी मैंने मूंग की दाल छिलके वाली, उसको भिगो लिया था 1 घंटे पहले, और उसको मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, इससे क्या है कि हमारी जो मूली की है वो बहुत हेल्दी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 1/4 हल्दी ऐड कर दिया है। अब मैंने जो मूली के पत्ते कट करके रखे हैं वो मूली के पत्ते यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, और इसको ऐड करने के बाद मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने कवर करके फिर मैंने ओपन किया है, और अब मैं चला लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पानी नहीं यूज किया है, ये जो मूली के पत्तों और मूली से भी पानी छूटता है तो हमको इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है, इसके पानी से ही इसको हमें पकाना है। तो इसको हमने अब कवर कर दिया है, थोड़ी देर बाद फिर हम 1-2 मिनट के बाद देखेंगे। तो आप देख सकते हैं और हमारी सब्जी गल रही है और धीरे धीरे अब पकती रहेगी। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा यहाँ पे मैंने ये सब्जी मसाला मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे क्योंकि भुजिया है तो इसको हमें अच्छे से भुनना है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारी जो मूली है वो गली है कि नहीं, और हम दाल को भी चेक कर लेंगे। तो अभी हमारी सब्ज़ी एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है, तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मूली की भुजिया आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलती हूं एक फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।